चलो गुआ तले बस चलो जैसे कि 12 साल का एक लड़का नहीं है, खुदकुशी करके कर लिया था, तो इसलिए मंदिर शुरू से पवित्र हो गया है, कभी पूजा हुआ ही नहीं। लेकिन इतिहास के मुताबिक ये मंदिर में पूजा हुई थी 1250 से 1628 सदी तक। 1628 में बखर खान जो था जहांगीर का के सुबेदार, ये कलिंग आक्रमण किया था। तो उस जमाने में यहाँ जो राजा थे नरसिंह देव भोई डायनेस्टी का राजा, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध में जो राजा हार गए तो सूर्य मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ से उठा के ले लिए, और वो मूर्ति को शायद आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी का मंदिर में। आप लोगों ने देखा है जगन्नाथ जी का मंदिर में सूर्य मूर्ति। जगन्नाथ जी का मंदिर का जो नॉर्थ गेट है, उत्तर गेट जो गजे द्वार जिसको कहते हैं, अंदर में तो भाई बाजू में जो एक छोटा सा मंदिर, इसके अंदर में इतनी बड़ी मूर्ति अभी भी रखी गई है और बनी हुई है सैंडस्टोन में। और कहते हैं कि एक्चुअली वो जो मूर्ति है मंदिर का मेन डेटी है, वो मूर्ति इसके अंदर ही पूजा होती थी। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए पत्थर को उन्होंने ज्वाइंट किसी किया। चलिए मैम, प्रथम नाट मंदिर अपने प्रार्थना मंदिर जेटा बंद आज 1903 थे, কারণ মূল মন্দির ভাঙার পরে এইটাই যখন ভাঙা শুরু হয়ে গেল বাঁচাবার জন্য দরজাকে বন্ধ করে ওপর থেকে বালি পাথর ভেতরে ভরে দেওয়া হয়েছে যেন ভেঙে না যায়। তো এই মন্দির 1903 সে বন্ধ হয়, কেউ না যাব গির রা থা তো বাঁচানে কে রেতি পাথর কো ভর দিয়া গিয়া হ্যাঁ তো এই আজ তক বন্ধ হ্যাঁ। সূর্য রথ মে 24 পহিয়া 7 ঘোড়া লাগা হুয়া হ্যাঁ, সাতো ঘোড়া মে সে ডাইনা বাজ মে 4 বাই বাজ মে 3 ইয়ে রা বাই তরা মে বাজ মে 3 ঘোড়া হ্যাঁ। हमने आपको कहा था बालू पत्थर की वजह से मूर्तियां टूट रही है, सातों घड़ा में से बचा दो, बाकी 5 टूट चुके हैं। ये बाजू में 3, तीनों में से रहा एक, ये वाला एक दो, वो एक रहा 3, बढ़ाने बाजू में इसी तरह 4 है, 4 × 3 = 7। इंद्र धनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन के लिए। हम सब जितने खड़े हुए हैं हम लोगों का नाम सब अलग अलग है, इसी तरह ये घोड़े का नाम भी अलग है। और ये घोड़े का नाम हमारा वेद में लिखी गई है, ऋग्वेद, तो गायत्री उष्णिक अनिष्टिव बृहति पंक्ति त्रिस्तव और जगति, 7 घोड़े का नाम, ये नाम वाले 7 घोड़ा सूर्य रथ को पूरब की ओर खींच रहे हैं। बच्चे लोग हैं हमारे साथ, यंग पर्सन है और बुजुर्ग लोग भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मंदिर को देखने के लिए सबको आता है, बच्चा जवान बूढ़ा सब, तो सभी के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पहले इन्होंने बनाया बच्चों के लिए, तो क्या बनाया ना नीचे दिखिएगा आप लोगों ने, एनिमल किंगडम, बंदर जानवर हाथी घोड़ा मूर्तियों को एक पैनल मंदिर के चारों बाजू में बच्चों के लिए। बच्चा जब जवान होगा, भाई माफ कीजिएगा, बीच में देखिए कामसूत्र की मूर्ति, तो जवान बूढ़ा होने के बाद ऊपर में देखिए देवादेवियों की मूर्ति। उम्र के हिसाब में स्टेज वाइज इन्होंने मूर्ति को दर्शाया मंदिर में, चाहे बच्चा जवान बूढ़ा जो कोई भी आएगा सबके लिए मंदिर में मूर्तियां बनी हुई है। तो प्लीज आगे बढ़िएगा उत्तर गेट के पास, ऊपर में सुबह का सूर्य सकाल वाला सूर्य, ये मूर्ति जो रही ऊपर में ये प्रभात सूरज सुबह का बचपन है, प्रभात मध्यान अस्त, बचपन जवानी बुढ़ापा, तीनों मूर्ति को बिना गाइड कैसे पहचानिएगा आप लोगों ने। प्रभात मतलब बचपन, चेहरा दिखेगा स्माइलिंग, दोपहर जो है जवानी, चेहरा दिखेगा गंभीर, अस्त जो है बुढ़ापा, चेहरा दिखेगा शांत। मूर्ति 3, चेहरा सब अलग अलग। मंदिर बना 1250 में, बनाया राजा नरसिंह देव। तो राजा को देखिए, राधे का नहीं, जिसका नाम है कमर से नीचे, तो डायना बाजू में उनकी पत्नी भानुमती, राजा रानी ये दोनों है। और आप लोगों को याद होगा हाल ही में जो G20 हुआ था दिल्ली में, मोदी जी एक पहिया के सामने खड़े होकर के गेस्ट को रिसीव कर रहे थे, आपने टीवी में देखा होगा। और वो पहिया ये है, कौन कौन, और ये पहिया का एक और खासियत ये है कि आप लोगों का पास जो 10 रुपए का नोट है, और नोट के पीछे में ये पहिया का छाप है, और हम रखे हुए हैं पुराना 20, शायद आपका पास नहीं होगा, वो नोट के पीछे में भी है, हम दिखाते हैं आप लोगों को पुराना 20, आपका पास होगा 10, आप देख सकते हैं। देखिए सामने से जाकर हो जाए तार छाप बैठा ही। एक और चीज, ये नोट तो होगा आपका पास, सभी का पास में 10, ये देखिए
दोनों नोट के पीछे में पहिया का जो छाप देख रहे हैं वो पहिया बिल्कुल आप लोगों का सामने, आगे बढ़िएगा। जैसे कि 12 साल का एक लड़का नहीं है, खुदकुशी करके कर लिया था, तो इसीलिए मंदिर शुरू से पवित्र हो गया है, कभी पूजा हुआ ही नहीं। लेकिन इतिहास के मुताबिक ये मंदिर में पूजा हुई थी 1250 से 1628 सदी तक। 1628 में बखर खान जो था जहांगीर का के सूबेदार, ये कलिंग आक्रमण किया था। तो उस जमाने में यहाँ जो राजा थे नरसिंह देव भोई डायनेस्ट का राजा, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध में जो राजा हार गए तो सूर्य मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ से उठा के ले लिए, और वो मूर्ति को शायद आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी का मंदिर में। आप लोगों ने देखा है जगन्नाथ जी का मंदिर में सूर्य मूर्ति। जगन्नाथ जी का मंदिर का जो नॉर्थ गेट है, उत्तर गेट जो गजे द्वार जिसको कहते हैं अंदर में, तो बाएं बाजू में जो एक छोटा सा मंदिर, इसके अंदर में इतनी बड़ी मूर्ति अभी भी रखी गई है और बनी हुई है सैंडस्टोन में। और कहते हैं कि एक्चुअली वो जो मूर्ति है मंदिर का मेन डेटी है, वो मूर्ति इसके अंदर ही पूजा होती थी। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए पत्थर को उन्होंने ज्वाइंट किसी किया। चलिए मैम, अरबों रुपया मिल रहा है यूनेस्को से, वो भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है उसको संभाल कर रखते हैं, तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए भाई, अभी हमारा ड्यूटी खत्म होगा, तो ड्यूटी खत्म होने से पहले वो बज में आपने देखा दो हाथी, वो था उत्तर द्वार गजे द्वार, ये दक्षिण दिशा दक्षिण द्वार अश्व द्वार, ये देखिएगा दो घोड़ा, वो बज में हाथी है बज में घोड़ा। तो भाई बज में जो खींचने वाला घोड़ा आपने कितने देखा था, तीन, एक देखा था दो टूट गए थे। तो ये नजर कीजिए, देखिए एक दिख रहा है, दूसरा का सर दिख रहा है, बाकी दो टूट चुके हैं। सात घोड़ा, इंद्रधनुष में सात रंग, हफ्ते में सात दिन के लिए। भैया जो बड़े बड़े देख रहे हैं ये 24 लगा हुआ है, साल में 12 महीना, एक महीने में दो पक्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो 12 महीनों में पक्ष 24, 12 महीनों में पूर्णिमा 12 अमावस्या में 12, 24 दिन रात 24 घंटा। गायत्री मंत्र जो है ये 24 अक्षर है, हो सकता है इसलिए इन्होंने लगाया होगा 24 पहिया को। तो देखिए भाई, पूजा होगी तो हर साधन होना चाहिए, इन्होंने बनाया था मंदिर सूर्य पूजा के लिए, हर साधन भी इन्होंने बनाना चाहिए उन लोगों को, इन्होंने बनाया भी था, तो इन्होंने बनाया था किचन रूम प्रसाद बनाने के लिए, रसोई घर छत्था टूट चुका है, सामान रखने के लिए ये रहा स्टोर रूम। तो वो देखिए एक छोटा सा बेदी वहाँ पे लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पंडा लोग ने बैठ के चंदन घिसते थे सूर्य देव को चंदन लागी करने के लिए, मतलब हो रहा चंदन बेदी। तो देखिए भाई, हमारा ड्यूटी यहीं पे खत्म हो रहा है, गाइड ने जैसे बोला था अभी आप लोगों ने मैक्सिमम 10 मिनट घूमिएगा फोटो लेने के लिए, एक फोटोग्राफर जी आप लोगों के साथ में आया, अरबों रुपया मिल रहा है, प्रचुर भीड़ जो है उसको संभाल कर रखते हैं। जो मंदिर अभी हमारा ड्यूटी खत्म होगा, तो ड्यूटी खत्म होने से पहले अनेक मानुष आपने देखा दो हाथी दर्शन करते अपना सबाई कोणार्क मंदिर दर्शन करून कोणार्क मंदिर दर्शन करने देखें खूब भालो लगा दो टूट गए थे प्रचुर मानुष एसेछे दर्शन करते सात घोड़ा কি সুন্দর জায়গাটা দেখুন, এই নিচের দিকে চারদিকে জায়গা আছে যাবার, বারো মহিনা এক মহিনা দর্শন করার, দর্শন বারো মহিনা পূর্ণিমা বারো অমাবস্যা দিন রাত 24 ঘন্টা। गायत्री मंत्र जो है ये 24 अक्षर है, हो सकता है इसलिए इन्होंने लगाया होगा 24 गाइड अच्छे एखाने। तो देखिए भाई, पूजा होगी तो हर साधन होना चाहिए, इन्होंने बनाया था मंदिर सूर्य पूजा के लिए, हर साधन भी इन्होंने बनाना चाहिए उन लोगों को, इन्होंने बनाया भी था, तो इन्होंने बनाया था किचन रूम प्रसाद बनाने के लिए, रसोई घर छत्था टूट चुका है, सामान रखने के लिए ये रहा स्टोर रूम। तो वो देखिए एक छोटा सा बेदी वहाँ पे लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पंडा लोग गाइड एसेछे एखाने करने के लिए, मतलब सबाई যারা সবাই এসেছে তাদের একটা করে গাইড আছে, সবাই ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট ঘুমিয়েগা ফটো লেনে কে লিয়ে কোণারক মন্দির বুঝিয়ে বলে দিচ্ছে সবাইকে, অরবো রুপিয়া মিল রহা হ্যায় ইউনেস্কো সে, ফ্যামিলি মিলেগা, তো ইসলিয়ে জো হ্যায় উসকো সম্ভাল কে রাখতে হ্যায়, তুরন্ত মিল জায়েগা। তো দেখিয়ে ভাই, अभी हमारा ड्यूटी खत्म होगा, तो ड्यूटी खत्म होने से पहले दर्शन करते वो बाजू में आपने देखा दो हाथी, वो था उत्तर द्वार गजे द्वार, ये दक्षिण दिशा दक्षिण द्वार अश्व द्वार, ये देखिएगा दो घोड़ा, वो बाजू में हाथी है बाजू में घोड़ा, पूरी तो बाएं बाजू में जो खींचने वाला घोड़ा आपने कितने देखा था, पूरी ठेके एक देखा था दो टूट गए थे যেতে হয় কোণারক মন্দির। নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? ইন্দ্রধনুষ মে সাত রঙ হফতে মে সাত দিন কে লিয়ে ভাইয়া জো বড়ে বড়ে দেখ রহে হ্যায় ইয়ে 24 লাগা হুয়া হ্যায় साल में 12 महीना, एक महीने में दो पक्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो 12 महीनों में पक्ष 24, 12 महीनों में पूर्णिमा 12 अमावस्या 24 दिन रात 24 घंटा। गायत्री मंत्र जो है ये 24 अक्षर है, हो सकता है इसलिए इन्होंने लगाया होगा 24 पहिया को। तो देखिए भाई, पूजा होगी तो हर साधन होना चाहिए, इन्होंने बनाया था मंदिर सूर्य पूजा के लिए, हर साधन भी इन्होंने बनाना चाहिए उन लोगों को, इन्होंने बनाया भी था, तो इन्होंने बनाया था किचन रूम प्रसाद बनाने के लिए।
रसोई घर छत्ता टूट चुका है, सामान रखने के लिए राष्ट्र तो छोटा सा वेदी वहाँ पे लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पन्ना लोग, वहाँ पन्ना लोग ने बैठ के चंदन लागी करने के लिए, मतलब हो रहा चंदन वेदी। तो देखिए भाई हमारा ड्यूटी इसमें खत्म हो रहा है, गाइड ने जैसे बोला था अभी आप लोगों ने मैक्सिमम 10 मिनट घूमिएगा फोटो लेने के लिए, थके होकर ना सब फोटोग्राफर जी आप लोगों के साथ आए कोणार्क मंदिर देखो दर्शन करो। প্রথমটা হচ্ছে আপনাদের নাট মন্দির, এটা হচ্ছে আপনাদের প্রার্থনা মন্দির, যেটা বন্ধ আছে 1903 থেকে, কারণ মূল মন্দির ভাঙার পরে এইটাই যখন ভাঙা শুরু হয়ে গেল বাঁচাবার জন্য দরজাকে বন্ধ করে সবাই উপর থেকে পানি পাথর ভেতরে ভরে দেওয়া হয়েছে, সবাই কোণারক মন্দির इंद्रधनुष में सात रंग सात दिन के लिए हम सब जितने खड़े हुए हैं, हम लोगों का नाम सब अलग अलग है, इसी तरह ये घोड़े का नाम भी अलग है और ये घोड़े का नाम हमारा वेद में लिखे गए बृहति पंक्ति त्रिस्तव और जगति, सात घोड़े का नाम, ये नाम वाले सात घोड़ा सूर्य रथ को पूरा जोर खींच रहे हैं, यंग पर्सन है और बुजुर्ग भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मंदिर को देखने के लिए सब कोई आता है, बच्चा जवान बूढ़ा सब, तो सभी के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पहले इन्होंने बनाया बच्चों के लिए, तो क्या बनाया ना नीचे एनिमल किंगडम, बंदर जानवर हाथी घोड़ा मूर्तियों के पैनल मंदिर के चारों बाजू में बच्चों के लिए, बच्चा जब जवान होगा भाई माफ कीजिएगा बीच में देखिए कामसूत्र की मूर्ति, तो जवान बूढ़ा होने के बाद ऊपर में देखिए देवादेवियों की मूर्ति, उम्र के हिसाब में स्टेज वाइज इन्होंने मूर्ति को दर्शाया मंदिर में, बच्चा जवान बूढ़ा जो कोई जाएगा सबके लिए मंदिर में मूर्तियां बनी हुई है। तो प्लीज आगे बढ़िएगा उत्तर गेट के पास अच्छे ऊपर में सुबह का सूर्य सकाल वाले सूर्य, ये मूर्ति जो रही ऊपर में ये प्रभात सूरज सुबह का बचपन है, प्रभात मध्याह्न बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों मूर्ति को बिना गाइड कैसे पहचानिएगा आप लोगों ने, प्रभात मतलब बचपन, चेहरा दिखेगा स्माइलिंग, दो पैर जो है जवानी, चेहरा दिखेगा गंभीर, अस्त जो है बुढ़ापा, चेहरा दिखेगा शांत, मूर्ति तीन चेहरा सब अलग अलग। मंदिर बना 1250 में बनाया राजा नरसिंह देव, तो राजा को देखिए राधे का नहीं जिसका नाम है कमर से नीचे, तो डायना बाजू में उनकी पत्नी भानुमती, राजा रानी ये दोनों है। और आप लोगों को याद होगा हाल ही में जो G20 हुआ था दिल्ली में, मोदी जी एक भैया के सामने खड़े होकर के गेस्ट को रिसीव कर रहे थे, आपने टीवी में देखा होगा, और वो भैया ये है, और ये भैया का एक और खासियत ये है कि आप लोगों का पास जो 10 रुपए का नोट है और नोट के पीछे में ये भैया का छाप है, और हम रखे हुए हैं पुराना 20, शायद आपका पास नहीं होगा, नोट के पीछे में भी है, हम दिखाते हैं आप लोगों को पुराना 20, आपका पास होगा 10, आप देख सकते हैं चक्का किसे आछे बोलूं तो देखिए नोटे आछे सामने से जाकर हो जाए तार छाप बैठ गई। एक और चीज ये नोट तो होगा आपका पास, सभी का पास में 10, ये देखिए चाका चाका, दोनों नोट के पीछे में पहिया का जो छाप देख रहे हैं वो पहिया बिल्कुल आप लोगों का सामने, जो चाका आगे बढ़िएगा, जैसे कि 12 साल का एक लड़का नहीं है खुदकुशी करके कर लिया था, इसलिए मंदिर सूर्य पवित्र हो गया है, कभी पूजा हुआ ही नहीं, लेकिन इतिहास के मुताबिक मंदिर में पूजा हुई थी 1250 से 1628 सदी तक। 1628 में बखर खान जो था जहांगीर का सुबेदार, ये कलिंग आक्रमण किया था, तो उस जमाने में यहाँ जो राजा थे नरसिंह देव भोई डायनेस्टी का राजा, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध में जो राजा हार गए तो सूर्य मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ से उठा के ले लिए, और वो मूर्ति को शायद आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी के मंदिर में, आप लोगों ने देखा है जगन्नाथ जी का मंदिर में सूर्य मूर्ति, जगन्नाथ जी का मंदिर का जो नॉर्थ गेट है उत्तर गेट जो गजे द्वार जिसको कहते हैं अंदर में, तो बाएं बाजू में छोटा सा मंदिर, इसके अंदर में इतनी बड़ी मूर्ति अभी भी रखी गई है और बनी हुई है सैंडस्टोन में, और कहते हैं एक्चुअली वो जो मूर्ति है मंदिर का मेन बेटी है, वो मूर्ति इसके अंदर ही पूजा होती थी, और थोड़ा सा आगे बढ़िए देखिए पत्थर को उन्होंने जॉइंट किया, चलिए मैम सूर्य मंदिर ये सामने आप लोगों का 1250 में बना हुआ था,
गंगा वंश का राजा नरसिंह देव ने मंदिर को बनाया। कलिंगा उस समय का उड़ीसा का नाम था और कलिंगा का 12 साल का रेवेन्यू 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इन्होंने खर्च किया था। मंदिर को बनाए थे 1200 कारीगर लोग। मंदिर बना हुआ था 12 साल में। मंदिर का टोटल एरिया जो है ये 12 एकड़ है। तो यहाँ अभी आप लोगों ने 4 मंदिर दिखेगा। पहला नाट्य मंदिर, नाच गाना करने के लिए। ये जो बड़ा खड़ा हुआ है प्रार्थना मंदिर, बैठ कर प्रार्थना करने के लिए। पीछे में था कुनार का मेन टेम्पल जो ऑलरेडी टूट चुका है। मूर्ति पूजा के लिए जो बड़ा मंदिर था वो टूट चुका है 1848 में। चौथा नंबर मंदिर आप दिखेगा सूर्य देव का पत्नी छाया देवी का मंदिर। नाट्य मंदिर, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर, छाया मंदिर। और कोणार्क का मेन जो मंदिर है टूटा 1848 में। तो मेन मंदिर टूटने के बाद देख रही के अभाव से ये जो मंदिर ये भी गिरना शुरू हो गया। तो ये मंदिर को बचाने के लिए 1903 में ये मंदिर का चारों दरवाजा को बंद करके रेती और पत्थर अंदर में भर दिया गया है ताकि गिर ना जाए। अंदर से सपोर्ट मिल गया तो इसलिए ये बच गया। भाई ये मंदिर बालू पत्थर में बना हुआ है। समंदर यहाँ से 2 किलोमीटर। समुद्री खारी हवा के वजह से ये मूर्तियाँ सब अपने आप नष्ट हो रही है। और समुद्र हवा के वजह से देखा होगा आप लोगों ने दूर से मंदिर काला दिखता है। तो इसलिए आप लोगों ने सुना होगा सूर्य मंदिर को ब्लैक पागोड़ा भी कहते हैं। और ये जो मंदिर ये एक रथ है सूर्य भगवान का, जहाँ 24 पहिया 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। ये क्यों है, इसके पीछे मतलब क्या है, हम आगे आके आपको बताएंगे। और किसी मैडम ने बोल रहे थे भाई वहाँ जाने के लिए, हाँ जी बिल्कुल आप लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब तक गाइड आप लोगों का साथ तब तक आप ऊपर जा नहीं पाएंगे। क्यों ना, गाइड को अलाउड नहीं ग्रुप लेके। जो बड़ा वाला खड़ा हुआ है प्रेयर हॉल, ये जो टूट चुका है मेन टेम्पल 3 नंबर वाला, और ये चौथा छाया सूर्य देव का पत्नी। शास्त्र के हिसाब में सूर्य भगवान का 2 पत्नी है, छाया और संध्या। छाया से पैदा हुआ था ग्रहराज शनि, संध्या से जमराज और जमुना। जो मूर्ति थी इसके अंदर टूट चुकी है। एक और बात, अंदर में मूर्ति नहीं, अंदर का दीवार भी प्लेन है। क्यों ना आज आप लोगों ने जितने सारे मंदिर दिखेगा कलिंगा यानी ओडिशा में अभी आप घूमेंगे आज दिन, तो जितने किसी भी मंदिर को आप जाइए हर मंदिर का अंदर का दीवार प्लेन। क्यों ना ये कलिंगा स्टाइल का पहचान है। बिना गाइड आप पहचानिएगा कैसे, न जिस मंदिर के अंदर कुछ नकाशी नहीं, पत्थर प्लेन, दीवार प्लेन, बाहर में नकाशी की गई है। ये कलिंगा स्टाइल का टेम्पल, तो इसलिए वह मंदिर का अंदर का दीवार भी प्लेन है। और यह मंदिर में आप देखिएगा चारों दिशा में 4 द्वार है। पूर्व सिंह द्वार, पश्चिम से द्वार, उत्तर गज द्वार, दक्षिण अश्व द्वार। मतलब ये मूर्ति सब रहती है दिशा दिखाने के लिए दरवाजे के सामने। तो ये रहा कलिंगा स्टाइल का खासियत। पूरी में आपने देखा होगा जगन्नाथ जी का मंदिर में कंपाउंड के अंदर तो बहुत सारी मंदिर है, लेकिन आप देखा होगा कि 4 मंदिर एक ही लाइन में खड़ा है। भोग मंडप, नाट्य मंडप, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर एक ही लाइन में। ये कलिंग स्टाइल का खासियत, मतलब बिना गाइड लेते हुए भी आपको पता चल जाएगा ये मुझे सबको देख के ये कौन सा मंदिर है। कलिंगा स्टाइल यानी कि ओडिशा का जो पुराना नाम कलिंगा, ये कलिंगा स्टाइल का टेम्पल है। तो एक मूर्ति आपने वो बाजू में देखा अस्त सूरज, शाम का सूरज बुढ़ापा, आगे बढ़िए देखिए मध्यान्ह सूरज जवानी। जैसे कि 12 साल का एक लड़का नहीं है, खुदकुशी करके कर लिया था, तो इसीलिए मंदिर शुरू से पवित्र हो गया है, कभी पूजा हुआ ही नहीं। लेकिन इतिहास के मुताबिक ये मंदिर में पूजा हुई थी 1250 से 1628 सदी तक। 1628 में बखर खान जो था जहांगीर का के सुबेदार, ये कलिंग आक्रमण किया था। तो उस जमाने में यहाँ जो राजा थे नरसिंह देव भोई डायनेस्टी का राजा, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध में जो राजा हार गए तो सूर्य मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ से उठा के ले लिए। और वो मूर्ति को शायद आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी का मंदिर में, आप लोगों ने देखा है जगन्नाथ जी का मंदिर में सूर्य मूर्ति। जगन्नाथ जी का मंदिर का जो नॉर्थ गेट है, उत्तर गेट जो गज द्वार जिसको कहते हैं अंदर में, तो बाएं बाजू में जो एक छोटा सा मंदिर, इसके अंदर में इतनी बड़ी मूर्ति अभी भी रखी गई है और बनी हुई है सैंडस्टोन में। और कहते हैं कि एक्चुअली वो जो मूर्ति है मंदिर का मेन डेटी है,
वो मूर्ति इसके अंदर ही पूजा होती थी। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए पत्थर को उन्होंने ज्वाइंट कैसे किया। चलिए मैम, चलो।